नमस्कार सभी लोगों का इस वीडियो पर स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपको बताना चाहता हूं सबसे बढ़िया और फ्रेंडली डॉग्स दसाई मैम लिस्ट में। पहले वीडियो में मैंने बताया था मोस्ट एग्रेसिव बैंड डॉग डेंजरस डॉग्स के बारे में आपसे बताया था, जिन्होंने 12 है वो उसके बारे में बता दिया। आप सभी लोग उस वीडियो को देख लिया होगा। वो लोग वो ब्रीड्स कभी कभी बहुत एग्रेसिव होता है और एग्रेसिव के हिसाब से बहुत लोगों को उन्होंने मारा था, पीड़े डैमेज द डॉग्स या किल्ड सेवरल टाइम्स। इसलिए बहुत स्टेट्स और कंट्रीज में उसको बैन कर लिया, मगर इंडिया में कोई ब्रीड भी बैन नहीं किया था। मैं इस वीडियो में बताना चाहता हूँ सबसे फ्रेंडली डॉग्स 10 है, उसमें से एक के बाद एक को आपको एक्सप्लेन करूँगा। जरूर अंत तक देख लीजिए, ये वीडियो को आप लाइक कर लिया तो लाइक कीजिए, जरूर आपका कमेंट्स डाल दीजिए सो दैट आपको आने वाले वीडियोस किस वीडियो को आपको बना सकता हूँ, और आपको सजेशंस के हिसाब से मेरा चैनल ग्रो होने के लिए बहुत संभावना होता है। आप इस वीडियो को लाइक करने से जरूर लाइक कीजिए, शेयर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए सो दैट आपको मेरा अलर्ट्स और नोटिफिकेशंस आ जाएगा। इसमें पहले वीडियो पर चलते हैं। पहला ब्रीड है लैब्राडोर रिट्रीवर, ये जर्मनी का ब्रीड है, ये बहुत फ्रेंडली है और इसका एक प्रॉब्लम है कि इसको ओबेसिटी होने की ज़्यादा संभावना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा खाता है, मगर ये बहुत फ्रेंडली है, किसी पर अटैक नहीं करेगा, बच्चों से बहुत फ्रेंडली रखता है। और इस ब्रीड को कभी कभी इसमें भी एक दो एग्रेसिव भी हो सकता है लैब्राडोर में, मगर वो सिर्फ क्रॉस ब्रीड होने पर भी ए चांस होते हैं। प्योर ब्रीड्स का डॉग्स कभी भी, जो मैं कहने वाला है 10 ब्रीड प्योर ब्रीड्स कभी भी एग्रेसिव नहीं होते हैं, ये बहुत फ्रेंडली होते हैं। नेक्स्ट ब्रीड है गोल्डन रिट्रीवर। गोल्डन रिट्रीवर लैब्राडोर दोनों एक ही जैसा दिखता है, मगर इसका हेयर ज़्यादा थोड़ा लंबा होता है और इसलिए उसको डेली ग्रूमिंग की ज़रूरत है। उससे तीसरा वाला है बॉर्डर कूली। बॉर्डर कूली को आपको थोड़ा सा एक बात बताना चाहता हूँ, इस ब्रीड के ऊपर आइवरमेक्टिन इंजेक्शन नहीं डालना है क्योंकि आइवरमेक्टिन इंजेक्शन देने को उनको रिएक्शन हो सकता है। इसलिए आप याद कर लीजिए, जब आप ये बॉर्डर कूली डॉक्टर के पास लेने के बाद जरूर उनसे कहना उनसे आइवरमेक्टिन इंजेक्शन को नहीं देना है। बाद में बीगल है, ये छोटा वाला है, ये भी बहुत फ्रेंडली है, इनका ड्रूपी ईयर्स होता है और इसका सीजर्स होने का थोड़ा संभावना है क्योंकि ब्रीड स्पेसिफिक डिसीज है, मगर बहुत फ्रेंडली है और बच्चों से भी बहुत खेलने का कभी भी अटैक करने का बच्चों से अटैक करने का उसका आदत नहीं होता है, ये बहुत बढ़िया ब्रीड है। नेक्स्ट वन आयरिश सेटर है, ये भी बहुत फ्रेंडली है। नेक्स्ट वन है कैवन किंग चार्लस स्पैनियल, इसका ड्रूपी ईयर्स होता है, ये ब्रीड भी बहुत फ्रेंडली है, किसी बच्चों के साथ खेलने का नेचर है। पूडल भी है, नेक्स्ट वन का पूडल है, ये सातवां वाला है, ये पूडल भी बहुत फ्रेंडली होता है, उसे हेरी ब्रीड है, उसका ज़्यादा और ग्रूमिंग करने का ज़रूरत पड़ेगा। नेक्स्ट वन इज़ बॉक्सर है, बॉक्सर भी बहुत फ्रेंडली है, कभी कभी हज़ार और 100 में इसका थोड़ा एग्रेसिव होने का चांस होता है, मगर बहुत रेयर है। जो एग्रेसिवनेस जो मैं बताने वाले ब्रीड्स में जो एग्रेसिव होता है वो ज़रूर वो क्रॉस ब्रीड होगा, इसलिए आप खरीदते वक्त ये 10 ब्रीड आप जरूर खरीदते वक्त प्योर ब्रीड ही लेना है क्योंकि जो क्रॉस ब्रीड होते हैं वही एग्रेसिव होता है। आप ये बात समझ मेरा बात समझ लीजिए, ज़रूर इसी का वजह से आप ज़रूर खरीद लेना। बाद में है बोस्टन टेरियर, ये बोस्टन टेरियर भी बहुत फ्रेंडली डॉग है, आप ज़रूर खरीद लेना है, बच्चों से खेलते हैं और सभी लोगों से बहुत फ्रेंडली होते हैं। इन सभी 10 ब्रीड जो मैं बताया था आप ज़रूर खरीद सकते हैं, कोई इसमें दिक्कत नहीं है आपको। आप ये वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपसे, और ये वीडियो लाइक करने दीजिए, ज़रूर शेयर कर लीजिए और बाकी फ्रेंड्स को भी पहुँचाइए, और ये वीडियो आप अच्छे लगने से बहुत लोगों को पहुँचाने से और आप ज़रूर कमेंट्स में लिख दीजिए जो पॉइंट मैं मिस कर दिया, ज़रूर आपका डाउट्स हो तो मैं ज़रूर आंसर कर लूँगा, इसकी वजह से आपको फ़ायदा होगा और मुझे भी समझ में आ जाएगा आप आने वाले वीडियो कौन सी वीडियो बनाने का बनाना है आपको बहुत
आपको बहुत लोगों से रीच करने के लिए मुझे बहुत चांसेस होते हैं। अंत तक देखने के लिए आप सभी लोगों का मैं धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।